गुड आफ्टरनून एवरीवन, जो बोल रहे हैं उनको भी, जो नहीं बोल रहे हैं उनको भी। सो थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन अब आपकी क्लासेस डेली होंगी। बीच में एनटीएसी का टेस्ट आ गया था, तो आपके 2 दिन की वो छुट्टी हो गई, फिर 1-2 दिन की छुट्टी मैंने कर ली क्योंकि आई वॉज बिजी विद 11th and 12th स्टूडेंट्स। तो उनकी 2-2 घंटे की क्लासेस हम लोग ले रहे थे। तो अब हम लोग सिमिलैरिटी पर थे। अब तक जो भी पढ़ा मैं उसको रिकॉल करूंगा 5 मिनट, उसके बाद में हम लोग नया करना स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको हमेशा बोलता हूं बच्चों, सिंपल सा फंडा है पढ़ने का कि जब आप पढ़ रहे हो, अपना 1 घंटा मुझे दे रहे हो और मैं अपना 1 घंटा आपको दे रहा हूं, तो एवरीथिंग इज नॉट अबाउट योर फीस। ठीक है, फीस इज अनदर थिंग। अगर आप कनेक्टेड हो मुझसे, मेरी क्लास में बैठे हो, तो आप इतना याद रखो कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अगर इफ आई एम टीचिंग यू एंड यू कुडंट गेट समथिंग, देन यू मस्ट आस्क, इट इज योर बर्थ राइट। बर्थ राइट बोल रहा हूँ, मतलब जन्म सिद्ध अधिकार है आपका, ये पैदा हुए ना तब से आपका पूछने का अधिकार है। आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे, अपने टीचर से पूछोगे, सबसे पूछोगे। तो स्किप करने वाली जो आदत है ना, उसको आप जितना ड्रॉप करोगे ना बच्चों, उतना अच्छा बनते जाओगे। तो भाषण खत्म, बुद्धि की बात यह है कि कॉन्शियसली पढ़ो, नहीं समझ में आया तो तुरंत पूछो। अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने ये जाना कि बेसिकली सबसे पहले बीपीटी पढ़ा था कि बीपीटी क्या होता है। तो बीपीटी पढ़ने के बाद में बीपीटी का यूज क्या था, या उसके पहले बीपीटी कब काम आती है। अगर किसी ट्रायंगल में इफ यू सी अ लाइन पैरेलल टू एनी ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, बीपीटी का रिवीजन करा रहा हूं, जैसे ही ऐसा कोई फिगर आप देख लो या ऐसा अरेंजमेंट देख लो, तो टुकड़ों का रेशियो मेंटेन रहता है, या फिर दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन बने यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व। बीपीटी का प्रूफ हमने देखा। फिर हम उसके बाद में सिमिलैरिटी को डिस्कस, हालांकि सिमिलैरिटी हमने पहले भी डिस्कस कर ली थी कि बेसिकली सिमिलैरिटी होती क्या है, हमने देखा था। अगर हम टू फिगर्स में सिमिलैरिटी डिस्कस कर रहे हैं, तो छोटे वाले को जूम करने पर बड़े वाले के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाए। Congruent मतलब everything is equal। तो समझ गए थे कि सर ऐसे बड़े वाले को अगर zoom out करें, थोड़ा छोटा करें, यानी कि ऐसे उंगली चलाते तो zoom in और ऐसे करते तो zoom out। तो अगर बड़े वाले को zoom out करूं तो छोटे वाले के साथ congruent हो जाए। ये इस फंडे से हमने फील करना सीखा, और मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी थी, तब फिर आप बताने लगे कि हाँ सर कोई भी 2 स्क्वायर्स हमेशा सिमिलर होंगे। आप बताने लगे कोई भी 2 सर्कल्स हमेशा सिमिलर होंगे। फिर ट्रायंगल्स में हम लोग एंटर हुए, और हम इतना समझ गए कि सिर्फ 3 एंगल्स इक्वल हैं तब भी दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे, दोनों ट्रायंगल्स में 2 एंगल्स इक्वल हैं तब भी ट्रायंगल सिमिलर होंगे। फिर हमने फाइनली सिमिलैरिटी इन ट्रायंगल्स को स्टार्ट किया बीपीटी के बाद। तो सिमिलैरिटी इन ट्रायंगल्स में सबसे पहले हमने पढ़ा क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया जो भी थे, अभी हम स्टार्ट करते हैं, हालांकि क्राइटेरिया मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन अब आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी क्राइटेरिया मैं वापस से रिवाइज कराऊंगा, शॉर्ट में रिवाइज कराऊंगा, पढ़ा तो चुका हूं मुझे पता है। तो अपने ज्ञान चक्षुओं को खोल लें, दिमाग भी खोल लें, जहां पर भी डाउट आए डाउट पूछना अपनी आदत बना। अब हम जो भी पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, हम 2 चीजें पढ़ेंगे। We will discuss or study these 2 things in today's lecture. Those 2 things, one of them is finding or proving similarity. मतलब आपको एक फिगर दे दिया जाएगा, फिगर में फिगर दे दिया जाएगा, फिगर में 2 ट्रायंगल लिखेंगे और कहा जाएगा कि प्रूव कीजिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या फायदा हम लोग उठा सकते हैं। सभी को गुड आफ्टरनून भाई, जो बोल रहे हैं उनको भी, जो नहीं बोल रहे उनको भी। दूसरा है यूजिंग सिमिलैरिटी इंप्रूविंग रिजल्ट्स। कुछ रिजल्ट्स आपको दिए जाएंगे कि प्रूव दिस प्रूव दिस प्रूव दिस, तो उन रिजल्ट्स में सिमिलैरिटी काम आती है। आप इस पूरे के पूरे टॉपिक को प्रोजेक्ट कीजिए क्लास 9 के साथ। 9th में आपने 2 चीजें सीखी थी कॉन्ग्रुएंस में, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, और अगर प्रूव कर दिया तो फायदा उठाना। यही 2 चीजें यहां पढ़ेंगे हम लोग, सेम है।
सिमिलैरिटी प्रूव करना तो क्राइटेरिया काम आएंगे, और अगर सिमिलर हो गए दो ट्रायंगल तो क्या क्या फायदा हम लोग उठा सकते हैं। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में सीपीसीटी चलता था तो यहां क्या चलता है, मतलब अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या चलता था, सीपीसीटी। यहां पर क्या चलेगा, सीपीएसटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, सीपीएसटी। तो बेसिकली फर्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं, दोनों टॉपिक पर मैं थोड़ी थोड़ी देर बोलूंगा फिर पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। दो ट्रायंगल्स जब भी पकड़ा दिए जाएंगे या तो एक ही फिगर में होंगे या अलग अलग होंगे, हमें क्या करना होगा, उनकी सिमिलैरिटी को चेक करना होगा। तो इसको करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी इन ट्रायंगल्स, इन टू और मोर ट्रायंगल्स में क्या क्राइटेरिया है। फर्स्ट डबल ए, अच्छे से फील करना मेरे सामने दो ट्राइंगल है, अगर दोनों ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल है, angle A is equal to angle P and angle B is equal to angle C, sorry, ABC triangle है, PQR है, ये वाला angle इसके equal है, ये वाला angle इसके equal है, तो दोनों हो जाएंगे similar, feel कर चुके हैं हम लोग, इसको कहते हैं double A criteria। तो triple A तो पढ़ने का मतलब है, क्योंकि बच्चों दो triangle में अगर ये angle X है, ये वाला angle X है, ये Y है, ये Y है, तो तीसरे की तो जरूरत ही नहीं है, तीसरा भी अपने आप equal होगा। तीसरा क्या होगा, 180 minus X plus 1, इधर भी 180 minus X plus 1 डबल ए। उसके बाद में हम लोग पढ़े ट्रिपल एस, ट्रिपल एस क्या होता है, सर इसकी दुगनी ये है, इसकी दुगनी ये है, इसकी दुगनी है, तो इसको 1/2 जूम आउट करेंगे तो अपने आप, या 2 फैक्टर से जूम आउट करेंगे तो अपने आप इस पर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इसको ट्वाइस जूम करेंगे, ये इसकी 3/4 है, ये इसकी 3/4 है, ये इसकी 3/4 है, तो भी सिमिलर है। तो कहने का मतलब अगर ट्राइंगल एबीसी में, एबीसी में जैसे मैं यहां पर इसको लिख देता हूं, हम लोग क्राइटेरिया तो डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ चुके हैं इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं, और फाइंडिंग सिमिलैरिटी, राइटिंग सिमिलैरिटी, राइटिंग मतलब कैसे लिखा जाता है सिमिलैरिटी, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं। वैसे तो 9th क्लास में आप पढ़ लिए थे कि कोई भी दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी कॉन्ग्रुएंसी को एवं ही लिख दिया जाता है कि उठाया और लिख दिया। तो डबल ए क्राइटेरिया मतलब अगर ट्राइंगल एबीसी में और ट्राइंगल पीक्यूआर में, इफ दिस एंगल इज एक्स एंड दिस एंगल इज एक्स एंड दिस एंगल इज वाई एंड दिस एंगल इज वाई, तो पता लग गया दो दो एंगल्स दोनों में इक्वल हैं, तो कैसे लिखेंगे सिमिलैरिटी, ऐसे लिखते हैं ट्राइंगल एबीसी सिमिलर, कैसे लिखा मैंने एबीसी, एबीसी मतलब जो एंगल मार्क्ड नहीं है वहां से एक्स वाई, तो यहां पर भी जो मार्क नहीं है क्योंकि ये और ये इक्वल होगा, ए के करस्पॉन्डिंग आर है, ये ऑर्डर आपको पता है कि ऑर्डर में ही लिखना चाहिए बी के साथ, यानी कि कैसे लिखा मैंने खाली एंगल से, या फिर ये जो एंगल था जो मार्क नहीं है वहां से एक्स वाई की तरफ चला ए बी सी, तो खाली से एक्स वाई की तरफ चला, तो आर क्यू पी, और कैसे लिखता हूं, सिमिलैरिटी का साइन है ना, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो ये यूज करते हैं, कॉन्ग्रुएंट है तो ये यूज करते हैं। अगर मैं लिख देता BCA तो यहां कैसे लिखता, XY अनमार्क्ड एंगल, XY यानी कि ट्राइंगल QPR ऐसे लिखता, अगर मेरी मर्जी में ऐसे लिख देता CAB, तो इधर ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दो ट्राइंगल PQR लिख दो, ऐसे नहीं, मनमानी नहीं चलेगी, सोच समझ करके लिखना, व्हाट विल यू राइट देन CAB, Y से X की तरफ गैप के साथ, Y से X की तरफ गैप के साथ, तो PRQ, PRQ ऐसे लिखना आपको आना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेते जाना, नोट्स बनाते जाना। तो ये डबल ए क्राइटेरिया, तो मैं आपको साइमल्टेनियसली दोनों चीजें बता रहा हूं, जब दो क्वेश्चन दिया जाएगा तो दोनों ट्राइंगल्स की जब आपको सिमिलैरिटी प्रूव करना हो तो कभी डबल ए लगेगा, डबल ए कब लगेगा, जब दो एंगल्स के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दी गई हो। ट्रिपल एस, ट्रिपल एस को समझते हैं, गोइंग टू लव इट, अगर ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर में, ध्यान से समझना 15 मिनट का लेक्चर है उसके बाद में क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हैं, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर में इफ एबी और पीक्यू का जो रेशियो है, यानी इन दोनों में जो रेशियो है वही रेशियो इन दोनों में है, और वही रेशियो इन दोनों में है, तो सिमिलैरिटी कैसे लिखेंगे, यानी ट्रिपल एस लगे ना तीनों साइड्स सेम रेशियो में,
all three sides of this triangle are in the same ratio with all three sides of this triangle, but order we know. इसका connection इसके साथ है, इसका connection इसके साथ है, क्योंकि डेज की मार्किंग तो बढ़ नहीं सकता ना, बट डेज लगा दिया तो इक्वल हो जाएगा, और इसका कनेक्शन इसके साथ है, तो कैसे लिखूंगा, राइट से स्टार फिर सर्कल, तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर, राइट से स्टार, राइट से स्टार, तो पी क्यू आर, मान लो ये दिया है, तो ये ट्रिपल एस के थ्रू हमने ऐसे तो करते थे आप, अगर ऐसा आपको दिख गया तो ट्रिपल एस कब काम आएगा, तो तीनों साइड की इंफॉर्मेशन दी हुई हो, ऑब्वियस सी बात है, ट्रिपल एस मतलब साइड साइड साइड, अगर मान लो ऐसे दिया जाता कि ए बी अपॉन पी आर, यानी इसका कनेक्शन इसके साथ, ए सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन क्यू आर इसका कनेक्शन इसके साथ, और बची हुई साइड बी सी का कनेक्शन पी क्यू के साथ, तो सिमिलरिटी कैसे लिखते हैं, इसका कनेक्शन इसके साथ है, अगर आपको ऐसे पलटा करके देखना है तो ऐसे पलट लो, फिर राइट राइट के सीध में आ जाएगा, ऐसे घुमा दिया सर्कल सर्कल की सीध में, स्टार स्टार की सीध में, सीध मतलब करस्पोंडिंग वे, तो कैसे लिखे हैं सर, समझ में आ गया कि दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, अगर तीनों साइड्स दोनों ट्रायंगल्स की इस बंधन से बंध चुकी है, इफ दे आर रेस्ट्रिक्टेड रेशियो वाइज इन दिस वे, देन हाउ विल बी राइट सिमिलरिटी, सर एबी का कनेक्शन है पी आर से, फिगर से ही बात करनी है, क्वेश्चन पढ़ करके फिगर में ही मार्किंग करनी है, एसी का कनेक्शन क्यू आर से, तो देखो राइट से सर्कल, तो ट्राइंगल बी ए सी राइट से सर्कल विल बी सिमिलर, राइट से सर्कल पी आर क्यू, कोई भी मेथड आप अपना सकते हो, स्टार से सर्कल, तो ट्राइंगल बी सी ए ऐसे भी लिख सकते हो सिमिलरिटी, स्टार से सर्कल, स्टार से सॉरी स्टार से सर्कल पी क्यू आर, तो सिमिलैरिटी ऑर्डर में लिखनी है, ठीक है, ये ट्रिपल एस हो गया। थर्ड है एस ए एस, तो दो साइड्स तो रेशियो के रेस्ट्रिक्शन में बनी हुई होंगी, मतलब फील करो इसकी एक साइड का रेशियो वही होगा जो तो दोनों दूसरी साइड्स का जो रेशियो होगा, और इंक्लूडिंग एंगल, कोई आई बाय एंगल नहीं, इंक्लूडिंग एंगल, यानी कि इसको कहते हैं टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल वाला केस है, ठीक है, ये सब हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब मान लीजिए दो ट्राइंगल्स में आपको दो साइड्स के रेशियो की इंफॉर्मेशन दी हुई, ए बी सी पी क्यू आर आपको दिया हुआ है कि इसका और इसका रेशियो, वही इसका और इसका रेशियो, यानी ये गिवन है कि ए बी अपॉन इसका क्यू आर is in the same ratio is AC upon PQ. This by this is equal to this by this. Including angle equal to this. और ये angle theta है, तो इधर भी इन दोनों के बीच का angle theta. And angle A is equal to angle Q. SAS, SAS. समझ रहे हो ना? तो ये नहीं कि theta ये हो जाने से similarity बढ़ जाएगी, नहीं, नहीं बढ़ेगी। तो एस ए एस ही फंसना चाहिए, एंगल जब एस एस आप अप्लाई करो तो एंगल इंक्लूडिंग होना चाहिए, यानी दोनों साइड्स जो बना रही है, तो कैसे लिखूंगा, राइट से एंगल की तरफ होते हुए स्टार की तरफ, राइट से स्टार, तो बी ए सी सिमिलर, बी ए सी राइट से स्टार, आर क्यू पी, आर क्यू पी, और कैसे लिख सकता हूं, स्टार से राइट सी ए बी, ट्राइंगल सी ए बी सिमिलर टू स्टार से राइट पी क्यू आर, लिखना सिखा रहा हूं आपको समझा के, ठीक है, ओके, जैसे ही डाउट है बच्चों कमेंट बॉक्स में आपको पता ही क्या करना है, ये आपको समझ में आ गया। फिर अगला है, अब ए एस का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बच्चों ए ही काफी है, एस की तो जरूरत ही नहीं है, ये क्या है, कॉन्फ्रेंस में भी आप पढ़े थे, तो ए एस नहीं तो बचा आर एच एस, RHS मतलब दोनों में राइट एंगल राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज और वन साइड का रेशियो, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है RHS मतलब सर दोनों ट्राइंगल्स राइट एंगल होने चाहिए, ठीक है, राइट एंगल यानी 90 डिग्री मतलब मिलना चाहिए, हाइपोटेन्यूज का रेशियो मैच होना चाहिए, सो अगर ये 3 है और ये 6 है
तो सर 3/6 अब एक और साइड यानी इनडायरेक्टली ये ऐसे ऐसे तो कोई भी एक साइड जैसे ये 1 है तो ये 2 है ठीक है। तो देखो इसकी दुगनी ये है इसकी दुगनी है तो यानी HH की मैचिंग है HH का रेशियो H1 अपॉन H2 हाइपोटेन्यूस 1 ऑफ ट्रायंगल 1 हाइपोटेन्यूस ऑफ ट्रायंगल 2 साइड 1 1/2 यानी दिस साइड इसको आप एबीसी बोल दो PQR बोल दो कुछ भी बोल दो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता जो मन में आ रहा हो QPR। अब देखो यहां क्या हो रहा है सर AC अपॉन इसका कनेक्शन इसके साथ तो HH मैचिंग है साइड साइड इसका कनेक्शन इसके साथ तो क्या दिया हुआ है हियर AB अपॉन PR इज इक्वल टू AC अपॉन इसका हाइपोटेन्यूस QR बस इतना सा राइट एंगल की तो टेंशन लेना ही नहीं है यानी अगर कोई दो राइट एंगल्स में देख रहे हो तब ऐसे देख रहे हैं तो आप क्या बोल दोगे AB अपॉन PR अगर ऐसा हो गया और एंगल B इज इक्वल टू एंगल P 90 डिग्री तो क्या बोल देंगे सर ये RHS हाइपोटेन्यूस राइट एंगल साइड साइड यानी दो साइड्स के रेशियो बैठे हैं और 90 डिग्री एंगल 90 डिग्री पकड़ा है बाकी दोनों साइड्स मैंने आपको बता दिया एक हाइपोटेन्यूस को पकड़ा और एक कोई भी एक साइड ऐसे में लिख सकता हूं मैं इसकी सिमिलैरिटी कैसे लिखूंगा देखो आप यहां पर इस तरीके से लिखोगे सर 1 से 90 होता हुआ 3 की तरफ गया तो ट्रायंगल एबीसी या एबी का कनेक्शन किससे है एक और तरीका बताता हूं लिखने का एबी का कनेक्शन से कनेक्शन है इससे क्योंकि इनका रेशियो सेम है ना 1:2 PR से तो PR लिख दिया फिर BC का कनेक्शन किससे है BC का कनेक्शन PQ से तो PQ तो आ नहीं रहा यहां पर BC की जगह PQ आना चाहिए ना तो इसको R पे लिखना चाहिए था अब देखो AB का कनेक्शन PR से यस BC का कनेक्शन PQ से यस AC का कनेक्शन किससे होना चाहिए QR से ऐसे भी लिख सकते हो या जैसे पहले लिख रहे थे सर एक से मतलब इससे सर्कल से राइट की तरफ जाना तो ट्रायंगल BAC सर्कल से राइट की तरफ जाना है सर्कल से राइट की तरफ तो सर्कल से राइट की तरफ गया तो कैसे सर्कल से राइट की तरफ गया तो BAC सर्कल से राइट की तरफ गया तो PRQ और अगर डाउट हो तो मैच कर लो BA का कनेक्शन PR से है क्या बिल्कुल AC का कनेक्शन RQ से है क्या बिल्कुल है फिर BC का कनेक्शन बस दो में कनेक्शन बैठ गया मतलब ओके ठीक है तो इस तरीके से हमें लिखना आना चाहिए सो हमारा पहला टॉपिक है फाइंडिंग और प्रूविंग सिमिलैरिटी तो हम सीख गए कि जब दो ट्रायंगल्स में अब ध्यान से सुनना और जो जो भी मैं पूछने जा रहा हूं जैसे आप समझ गए आई वॉन्ट यस इन द कमेंट बॉक्स सिमिलैरिटी RHS का फिर से सर ओके देखो आप इसमें ज्यादा टेंशन ना लें अब इतना याद रखें कि अगर इन दोनों का सेटिंग बैठ जाता है समझ गया क्यों डाउट आया आपको या क्यों फील नहीं कर पाया देखना जैसे मान लो एक राइट एंगल है इसकी साइड 3 है और इसकी साइड 6 ध्यान से समझ दुगने का कनेक्शन ये 1 है और ये 2 है और 90 तो बच्चों ध्यान से समझना मैंने क्या कहा दो ट्रायंगल्स में 90-90 मैचिंग है और दो साइड्स के बीच में कनेक्शन मतलब रेशियो वाला कनेक्शन बट हाउ हाइपोटेन्यूस इज कंपल्सरी इन टू साइड्स अब आप देखना ये जो भी है इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करके ये निकाल सकते हैं कितना है 9-7 √8 √8 कितना होता है 2 ठीक है अब ये कितना हो गया 36-4 32 √32 √32 कितना होता है √32 होता है 4√ तो देखो ध्यान से देखना ये हमने निकाला है क्योंकि अगर हाइपोटेन्यूज और बेस पता है तो परपेंडिकुलर निकाल लेंगे
हाइपोटेन्यूज और बेस या परपेंडिकुलर पता है, तो दूसरे साइड जो बची हुई साइड है बेस या परपेंडिकुलर वो निकाल ले। अब आप ध्यान से देखना, 3 का दोगुना 6, 2 का रूट 2, 2 रूट 2 का दोगुना 4 रूट, और 1 का दोगुना 2, यानी रेशियो बैठ जा रहा है। तो अगर ये नहीं भी दिया है, ये नहीं भी दिया है, अगर हम निकालेंगे तब भी इनका रेशियो वही आ रहा है। देखो इसका रेशियो कितना आया था, 1:2, 1:2 हमने निकाला, इसमें पीजीटी लगा करके ये आया 9 - 1 √8, यानी 2 √2, 4 × 2 = √2, 2 √2, और यहां पर इसको निकाला, सिमिलैरिटी नहीं देख रहे हैं अभी, तो हम लोग बची हुई साइड को निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हाइपोटेन्यूज ऑफ वन साइड गिवन, देन वी कैन फाइंड अनदर साइड, 36 - 4 = 32, √32 मतलब 4 √2, क्योंकि 16 × 2 = 16 √4, 2 √2। आप देखो अपने आप ट्रिपल एस कर जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दो राइट, क्योंकि इसकी दुगनी ये है, इसका दुगना ये, इसका दुगना ये, तो ट्रिपल एस कर गया। या फिर अगर आप ये मेहनत नहीं करते हो, थर्ड साइड निकाल करके ट्रिपल एस नहीं बनाते हो, तो आपको इतना याद रखना है कि दो राइट एंगल में हाइपोटेन्यूज का हाइपोटेन्यूज से जो रेशियो आ रहा है, और किसी एक साइड का किसी एक साइड से जो रेशियो आ रहा है, अगर वो इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। आई होप कि समझ आ गया होगा। ओके हाँ, तो मैं ये कहने जा रहा था, आई वॉन्ट एनर्जी फ्रॉम योर साइड बिकॉज माई वन टॉपिक इज कवर्ड। इसको समझा करके फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, यस मतलब यू हैव गॉट एवरीथिंग विच आई हैव एक्सप्लेन्ड टिल नाउ, और नो मतलब नहीं समझ में आया, सो टाइप यस और नो। I will count your yes. तो 16 viewers मुझे यहाँ दिख रहे हैं, 15 दिख रहे हैं, कुछ निकल लिए। Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अभी तक 8 yes हैं बस। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, ठीक है, किसी का नो नहीं आया, अच्छी बात है। So now the next topic is using similarity. अगर आप मेहनत करके ये पता कर लेते हो कि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो ये चीज हमें दर्शाती है, दिस शोज, इसका मतलब होता है दिस शोज और दिस इंप्लाइज। कई नमूने ऐसे हैं, कई बच्चे, इतना गुस्सा आता है मेरे को, वो ये काम करते हैं, यहाँ इक्वल एक्स प्लस, जैसे कि लिखा हुआ है 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू 7, 5, 12, तो ये इज इक्वल टू का साइन नहीं है भाई, ये कब चलता है, इससे आपको क्या पता लगा, इससे पता लगता है, क्या पता लगता है, इक्वल टू लगाओ ना। हाँ, अगर ये होता कि ये इक्वल टू एक्स है, तो इससे पता लगता है कि एक्स की वैल्यू है 12, तो इसको ना इक्वल टू की जगह यूज नहीं करोगे, इक्वल टू होता है दिस इंप्लाइज दिस इंप्लाइज। सो अगर कभी दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन, तो क्या क्या फायदा हम लोग उठा सकते हैं, तो देयर करस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर करस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, देन फर्स्ट देयर कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, पहली चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज, रेशियो ऑफ कोरेस्पोंडिंग साइड्स और एलिमेंट्स एक्सेप्ट एंगल्स, साइड मतलब लेंथ, रेशियो ऑफ कोरेस्पोंडिंग लेंथ्स भी बोल सकते हो, यानी साइड्स, is also equal या constant होता है उस triangle में, ठीक है। इसी को कहते हैं
ये जो रिजल्ट है ये क्या है? सिमिलैरिटी का रिजल्ट है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो ऐसा होगा। इसको कहते हैं सीपीएसटी, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, पार्ट्स मतलब एंगल्स, साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। सीपीसीटी किसमें पढ़े थे? नाइन्थ, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अभी क्या पढ़ रहे हो? सीपीएसटी, इसी को कहते हैं सीपीएसटी कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, इमेजिनेशन का बटन ऑन होना चाहिए, इमेजिनेशन नहीं हो पा रहा है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स और खुल करके पूछा करो, ठीक है? ओके, इसी को कहते हैं सीपीएसटी। तो अब हम लोग इसको एक और तरीके से समझ लेते हैं कि इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, दिस इंप्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ऑर्डर मैटर करता है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, सी इज इक्वल टू एंगल आर। अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे क्यू पी आर, तो एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल क्यू, बी इक्वल टू एंगल पी एंड सी इक्वल टू एंगल आर, ठीक है? बहुत मैटर करता है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। इफ यू वांट टू विजुअलाइज इट, तो सर दोनों ट्राइंगल्स ऐसे रहे होंगे, इनमें कनेक्शन ये है, ए और बी इक्वल है, बी और क्यू इक्वल है, सी और आर इक्वल है, मार्किंग चल रही है, ठीक है? और एंड और क्या इंप्लाइज करता है? करस्पॉन्डिंग साइड्स के रिलेशन, ए बी करस्पॉन्डिंग साइड इस तरीके से उठाया है, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर। ये आप ये इसे कहते हैं सी पी एस टी, ठीक है? ओके, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट, उसके बाद में क्वेश्चन हम लोग चालू कर देंगे। तो बच्चों यहां पर हमें कुछ समझना है, क्या समझना है मैं वो समझाता हूं, फिर हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आंखें बंद करके सुनना और बहुत ध्यान से सुनना। कभी कभी क्वेश्चन में पढ़ने के बाद में अगर डायरेक्ट वो ये दे देगा कि भाई इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करो, तो हमें मेहनत नहीं लगती। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि हमें पता लग गया कि हमें सिमिलैरिटी ढूंढनी है। आगे बंद करके समझ जाएगा, अभी तो क्लास में खड़े आप घर पे हो। तो सर कभी दो ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी को प्रूव करने में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें पता लग गया कि कोई ना कोई क्राइटेरिया लगाना है। नॉट नंबर टू, जब जब हमें साइड्स के रेशियो इक्वल प्रूव करने होंगे, प्रूव दैट दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, या दिस इनटू दिस इक्वल टू दिस इनटू दिस, चार साइड्स का प्रोडक्ट आपस में रिलेट किया हुआ हो, दिस इनटू दिस इक्वल टू दिस इनटू दिस, या चार साइड्स किसी रेशियो में बनी हुई हो, इसका मतलब हमें वहां पर सिमिलैरिटी का रिजल्ट यूज करना है। वापस से बोल रहा हूं, व्हेन यू हैव टू प्रूव रिलेशन ऑफ फोर साइड्स लाइक ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए बाई सी इक्वल टू बी बाई डी, सॉरी D by B तक A B और C D, ऐसा कुछ कनेक्शन कभी प्रूव करना हो क्वेश्चन में, कभी ऐसा दिख जाए, देन ऑलवेज यूज सिमिलैरिटी। ऑलवेज यूज सिमिलैरिटी मतलब कोई दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना होगा, तो किन दो ट्रायंगल्स को? तो पता लगेगा ना, सर चार साइड्स हैं यहां पर, चार, तो कोई दो किसी एक ट्रायंगल की होगी, कोई दो किसी एक ट्रायंगल की होगी, तो पता लगेगा किन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना। समझ में आया? जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना आपको कॉन्ग्रुएंसी में
अगर मेरे से पढ़े हो तो मैंने पढ़ाया होगा, और किसी दूसरे सर ने पढ़ाया होगा तो उन्होंने बताया होगा कि जब दो साइड्स ए इक्वल टू बी प्रूव करना हो, ये किसी एक ट्रायंगल की है किसी दूसरे ट्रायंगल की है, तो दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया जाता है। सिमिलरली एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी प्रूव करना हो तो एंगल ए और एंगल पी के लिए या तो ए और पी वाले ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करो या सिमिलर प्रूव करो। समझ गए? तो आई एम गोइंग टू रब इट नाउ, आई एम गोइंग टू गिव यू द क्वेश्चंस। ये आप देख लेना, ये सीपीएसटी वगैरह आपको समझ में आ गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। पता है बच्चों, आपको सब पता लग जाता है कि मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है, लेकिन आप उसको स्किप कर देते हो। ये जो आदत है ना बच्चों, आपको पढ़ने नहीं देगी कभी, स्किप मत करो, ठीक है? पूछना चालू करो, अपने आप समझोगे। और पढ़ना क्यों जरूरी है, अगर ये आंसर आपके पास नहीं है तो आपकी पढ़ाई का कोई वर्थ या यूज नहीं है। आपके पास जवाब होना चाहिए। एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट व्हाई इज ही और शी स्टडीइंग। क्योंकि ना मार्केट में कई टाइप के मोटिवेशन है, स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड, दीज आर द वैल्यू मोटिवेशंस। इफ यू नो द रीजन बिहाइंड एनीथिंग यू डू, देन यू विल डू दैट थिंग इन वेरी गुड वे। आई एम नॉट मोटिवेशनल स्पीकर, मैं बस इतना सा जानता हूं, डिफाइन व्हाई। If you are able to define why behind every doing, then your doing will be the best doing in the world. I can say it. When I teach, I enjoy it. It gives me inner happiness. हालांकि पैसा भी आता है. That is another thing. Because मुझे अपनी life में maintain करनी है. That is another thing. But I enjoy teaching. ठीक है? तो define why. तो I have already defined why. That why I am going to a teacher. मैं कई बच्चों को कहानी सुनाता रहता हूँ। मेरे पापा मुझसे बहुत बोलते थे आईएएस आईपीएस की तैयारी कर। बच्चों, मैंने अपने करियर में एक भी एग्जाम जॉब के लिए नहीं दिया है, तो इसलिए नहीं दिया, बिकॉज आई वाज डिटरमिंड कि मुझे यही काम करना है एंड आई विल एंजॉय दिस वर्क। और बिलासपुर आने की कहानी वो आपको पता होगा कई बच्चों को, देखिए कोटा से बिलासपुर कैसे आ गए, दैट इज अनदर थिंग। जो नाइन के पुराने बच्चों को तो पता ही होगा। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, और ये जो पहला क्वेश्चन मुझे देना है ये मैं चौथे या पांचवें नंबर पर देता, बट कुछ ज्यादा अच्छे से मैंने आपको समझा दिया, थोड़ा मोटिवेट भी कर दिया, ट्रिगर भी कर दिया। तो अब सीधा मुद्दे पर आते हैं, सीधा एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। ये चलो ठीक है, पहले थोड़ा सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, अच्छा पहला क्वेश्चन आप ही करोगे, आप मेरी आदत जानते हो, एग्जाम्पल हमेशा फर्स्ट एग्जाम्पल आप सॉल्व करते हो, लेट मी नो कि कितने बच्चे मेरी बात समझ पाए। क्वेश्चन है, इन ट्रेपेजियम एबीसीडी, इन ट्रेपेजियम एबीसीडी, एबी पैरेलल सीडी एंड डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ओ In the given figure. COD. Second question is, prove that AO upon CO is equal to BO upon DO. Time limit 2 minute, your time starts now. जैसे ही आप कर लो, done बोलते हैं ना, मुझे आपकी ईमानदारी पर भरोसा है, चीटिंग करोगे तो आपका नुकसान है। Done वही बोले जिससे हो गया। Your time starts now.
I have got 4 done till now. I'm waiting for more runs. Okay, time up. So I count the turns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. बाकी 10 लोग जो हैं, वो नहीं कर पाए या कर पाए बताना नहीं चाहते टाइप करते करते कभी, क्योंकि बच्चों टाइप करना बहुत बड़ा काम होता है ना, टाइप करना मतलब मैंने कहा मतलब माउंट एवरेस्ट के चढ़ना जितना। तो ठीक है, अब आप समझ गए। सबसे पहले तो आपको डायरेक्टली बोल दिया कि इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर ग्रुप, यानी कि मेहनत ही नहीं करनी है। हिंट दे दिया कि ये वाला ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूव करना है। साइड के बारे में कुछ नहीं दिया, यानी एस नाम का तो जितने भी क्राइटेरिया हमें एस वाले सारे चिप गए। ट्रायंगल वाले में तो डबल ए ही है, डबल ए में सर एक एंगल ये फंस गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों ट्रायंगल्स के एक एक एंगल फंसा दिया, और सर ये दोनों पैरेलल है तो जेड बन रहा है, यानी ये एंगल एक्स होगा तो ये एंगल बी एक्स होगा, और ये y होगा तो ये भी y होगा, हालांकि तीसरा भी फंसा है लेकिन जरूरत ही नहीं है। रफ वर्क हैज बीन डन। अब हम समझ गए कि सर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फर्स्ट ऑर्डर इन ट्रायंगल लिखने का तरीका देखो, अभी आप कैसे भी लिख सकते हो पेयर ऑफ बी एंड सी, अभी लोड नहीं लेना है कि सर ऑर्डर में लिखना है क्या नहीं लिखना, कैसे भी लिखो। अब आप देख लो कि एंगल AOB का एंगल A, ऐसा लिख सकते हैं AOB का एंगल A इज इक्वल टू COD का एंगल C। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स काहे पैरेलल ट्रांसवर्सल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर एंगल O इज इक्वल टू एंगल O वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, डबल ए लग गया, दिस मींस x से y की तरफ तो COD ट्रायंगल COD सिमिलर, x से y की तरफ AOB सिमिलारिटी कैसे लिखना है सर। AOB पहले था, वापस से रीअरेंज करके लिख देंगे ट्रायंगल AOB, क्योंकि जो प्रूव करना है वो एज इट इज होना चाहिए, तो कर दिया ओके। सेकंड वाला देखते हैं, अब ये तो सर CPST है, सो दिस इंप्लाइज AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन OD। CPST corresponding parts of similar triangles, आप इसमें इसको भी फंसा सकते थे, समझ गए, लेकिन जरूरत नहीं थी, hence proved, question solve हुआ। तो total done जो मेरे पास आए वो आए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बाकी 9 बच्चों को शायद मेरा पढ़ाना समझ में नहीं आ रहा है, टाइप करते नहीं बनता है, तो फोन करके पूछो बच्चों, आपके लिए मेरा फोन यानी कोचिंग का फोन खुला है, जब भी पूछो मैं तैयार हूँ बताने के लिए, बाकी 24 इज ऑलवेज योर्स। सो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी डाउट इन द सॉल्यूशन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको कुछ याद आया, ये ट्रेपेजियम में कुछ याद आया मुझे बताना, कितने लोगों को याद आया। इस ट्रेपेजियम में OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD हमने BPT से भी सॉल्व किया था, चलो मत बताना कमेंट बॉक्स में, याद आया होगा ऐसे पैरेलल ड्रॉ करके दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, फिर दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, ये दिस बाय दिस के थ्रू इन दोनों को हमने इक्वल प्रूव किया था। आपको अगर याद आया हो तो बहुत अच्छी बात है, BPT से भी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आप ही करोगे, इन द गिवन फिगर, अब आप ही करोगे सारे क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर DE इज इक्वल टू BC, सॉरी पैरेलल, DE पैरेलल टू BC, एंड
DE is 3, BC is 9, AB is 10, then find AD. ठीक है, टाइम लिमिट 2 मिनट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज्यादा नहीं है, ना बने तो टेंशन नहीं लेना है, लेकिन बनाने की कोशिश बराबर करते रहना है. I have got answer, first answer. Okay, time up. देखो एक बस आंसर नहीं, बहुत सारे आ गए, 10 by 3 10 by 3 10 by 3. ओके, बहुत सारे आंसर्स मिले. सर अजीब सा क्वेश्चन है, डी 3 दिया हुआ है, बीसी 9 दिया हुआ है, ए बी पूरा दिया हुआ है, विच इज 12. ठीक है बच्चों, अरेंजमेंट देखो आप इसमें और इसमें, अरेंजमेंट देखो कि लेंथ बस दी हुई है और कुछ नहीं दिया हुआ. अब आप ध्यान से देखो, अगर ये पैरेलल है तो करस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो यानी कि मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल एडीई इज सिमिलर टू. थोड़ा सा डिफिकल्ट है एकदम बिगिनर्स के लिए, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको फटाक से समझ में आ गया, वो जो नहीं पढ़े हो सकता है कि दिक्कत आए. बच्चों आपके आउटपुट के बेसिस पर मुझे पता लगता है कि कितने बच्चे समझ पा रहे हैं और कितने नहीं समझ पा रहे, तो आउटपुट दिया करो. टाइप करने में कोई ऐसा नहीं है कि बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि मैं आपको वही पूछता हूं जो मैं वही पूछ रहा हूं जिसका आंसर आंसर टाइप करना आसान हो. तो ए डी ई एंगल एंगल, सिंगल से डबल, सिंगल से डबल, सिंगल से डबल, लेकिन इसके इसके साथ गया, तो देखना डी ई की जगह ए डी ई और एबीसी में देखना, इसका एक एंगल इसके, तो डबल एक ऐड दिया, तो ए डी ई, तो यहां पर इस वाले में भी ए, डी की जगह बी और ई की जगह सी, दोनों से मिलन होंगे, किससे डबल एंगल. क्या लिखना था उत्तर, इंट्राएंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल ई इज इक्वल टू एंगल सी, क्या कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, पैरेलल्स कट बाय ट्रांसवर्सल, ये आ गया डबल. अब सर रेशियो रेशियो खेलते हैं, रेशियो रेशियो कैसे खेलते हैं, ये वाला ट्रायंगल इसके साथ सिमिलर है, तो AD अपॉन AB इज इक्वल टू DE अपॉन BC
इट्स इक्वल टू ए अपॉन ए सी। ठीक है, तो अब आप देखो आपको किससे मतलब है, सर डी बी सी से मतलब है और ए डी और ए बी से मतलब है। ठीक है, तो ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी। क्या क्या दिया हुआ है, डी ई दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, तो जो रेशो इनमें होगा यानी इस ट्रायंगल की इस वाली साइड और इसका रेशो, ए बी, ए डी नहीं पता लेकिन ए बी पता है, ए बी कितनी है 12, इट इज 3, तो ए डी कितना आ गया, ए डी आ जाएगा 4, 12 बाय 3 नहीं यार मैंने शायद इसको 10 दिया है, ए बी को 10 दिया है। ठीक है, हो जाएगा 10 बाय 3, तो ए डी कितना आ गया, ए डी आ गया 10 बाय 3। Now I count how many answers I have got. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 answers बस मिले हैं। तो 18 viewers और answers हैं 9. मतलब ये 9 जो है Mr. India है, पता नहीं लग रहा है इनका। ठीक है, I think question थोड़ा सा difficult था क्योंकि आपको पता नहीं था। अब यहां से कुछ और क्वेश्चंस मैं पूछता हूं, आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा लेकिन सॉल्यूशन समझ में आया, ये चीज समझनी है कि सर आपको पता कैसे लगा कि सिमिलैरिटी ही लगेगी। बिल्कुल करेक्ट है आपका डाउट, अभी मैं उसको और फिनिश कर देता हूं। एक छोटा सा नोट है, एमटीआर, एमटीआर मतलब मुझे तो रटो मेमोरी टिप्स रिजल्ट। इफ इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी कभी ऐसा अरेंजमेंट मिल जाए जिसमें, ये अरेंजमेंट आप पहले भी पढ़ चुके हो, जब भी ऐसा अरेंजमेंट मिल जाए तो याद रखना बच्चों, ये वाला ट्राइंगल इज सिमिलर विद ये वाला ट्राइंगल, हमेशा याद रखना। जैसे ऐसे ट्रायंगल में ये दोनों पैरेलल फंस जाए तो ये वाला ट्रायंगल इज सिमिलर विद ये वाला ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल में अगर ये पैरेलल फंस जाए तो ये वाला ट्रायंगल इज सिमिलर विद ये वाला ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल इज सिमिलर विद बड़ा ट्रायंगल। व्हाई सर, इस ट्रायंगल में एडीई को अलग बना देता हूं और एबीसी को अलग बना देता हूं, ये वाला एंगल दोनों में से पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, करस्पोंडिंग एंगल, तो x ये भी x, फिर इधर ये y तो ये भी y। सर वैसे इतनी तो जरूरत ही नहीं थी, दो एंगल तो ऑलरेडी इक्वल हो गए। तो आपको याद क्या रखना है कि इस अरेंजमेंट में छोटा वाला ट्रायंगल इज ऑलवेज सिमिलर विद बड़ा वाला ट्रायंगल। तो व्हाट शुड यू रिमेंबर, मैं आपको थ्योरी लिखा रहा था कि जब DE पैरेलल BC हो जाए तो ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ADE इज सिमिलर टू ABC, D का करस्पोंडिंग B, E का करस्पोंडिंग C। तो अगर ऐसा हो जाए ADE सिमिलर टू ABC, इतना याद रखना कि जब किसी ट्राइंगल में एक पैरेलल लाइन आ जाए और वो दो बाकी लाइंस को, बाकी साइड्स को दो जगह काटे तो छोटा वाला ट्राइंगल इज सिमिलर टू बड़ा वाला ट्राइंगल। और रेशियो क्या होता है, छोटे वाले की साइड अपॉन बड़े वाले की साइड करस्पोंडिंग साइड, छोटे वाले की साइड अपॉन बड़े वाले की साइड इक्वल टू छोटे वाले की साइड अपॉन बड़े वाले की साइड। तो क्या याद रखोगे, सर ये सिमिलैरिटी होती है एंड छोटे वाले की साइड अपॉन बड़े वाले की साइड, छोटे वाले की साइड अपॉन बड़े वाले की साइड, छोटे वाले की साइड अपॉन बड़े वाले की। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये आप याद रखोगे एमटीआर मतलब इसकी सिमिलैरिटी आपको डायरेक्ट याद रखनी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये नोट्स बनाते जाना प्रॉपर, इन ट्रायंगल एबीसी क्वेश्चन दे रहा हूं आपको,
इंटीग्रल एबीसी डीई पैरेलल टू बीसी एंड बीडी सिक्स एडी थ्री. फाइंड DE upon AC. Time limit 1.5 minutes. Your time starts now. क्वेश्चन को बहुत घूरो बच्चों, ऑब्जर्व करो, एकदम आंखें फाड़ के घूरते रहो. क्या हो रहा है, क्या पूछा है, अपने आप आंसर आ जाएगा. Okay, time up. So I got how many answers? Only 3 answers. ठीक है, आप करते रहो. So I solve it. जैसे ही arrangement देखा, ये figure देखा, मुझे समझ में आ गया that this triangle is similar to bigger. तो मैं order भी लिख सकता हूँ. आपको पता लग गया ना, ये वाला angle इसके equal होगा. इसको x x बोल दो, इसको y y बोल दो. तो कैसे लिखूँगा? B D E is similar, B, D की तरफ X, या ऐसे बोल दो, X, Y की तरफ, तो B, E, B, X से Y की तरफ, A, C, B. अब आपको क्या दिया हुआ है? BD6 दिया हुआ है, और AD3 दिया हुआ है. अब क्या पढ़े हैं? सर आप ये पढ़े हैं, हम ये पढ़े हैं, कि छोटे ट्रायंगल की साइड अपॉन बड़े ट्रायंगल की साइड इज इक्वल टू छोटे ट्रायंगल की साइड अपॉन बड़े ट्रायंगल की साइड इज इक्वल टू छोटे ट्रायंगल की साइड अपॉन. तो बेसिकली हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है DE अपॉन, आप इसको ऑरली भी कर सकते हैं, मेंटली भी कर सकते हैं, DE अपॉन छोटे ट्रायंगल की साइड अपॉन बड़े ट्रायंगल की साइड विल बी इक्वल टू छोटे ट्रायंगल की साइड अपॉन बड़े ट्रायंगल की साइड 6 upon 9, that is 2 by, ये orally, mentally कर लेते हैं, systematically करना है तो हमें पता लगी क्या, triangle DEB is similar to triangle this, तो अब हम बोल सकते हैं कि DE, DE upon AC is equal, अब ये तो दिया हुआ नहीं है, AC को लिखेंगे, ये क्या है, BD, BD upon AB. वैसे अगर लिखना होता तो मैं और भी लिख देता, लेकिन ठीक है, जो दिया हुआ है उसी से मतलब रखें. तो हमसे पूछा था DE अपॉन AC, अभी एक और रेशियो है आ जाता, तो DE अपॉन AC कितना आ जाएगा, BD दैट इज 6, AB दैट इज 9, कितना आ गया, 2:2. नाउ हाउ मेनी आंसर्ड करेक्टली, आई काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक मिस्टर इंडिया कम हुआ. तो अच्छा, अभी तो बचे ही, यानी कि 6 मिस्टर इंडिया हैं, अभी भी गायब है, वो उनका एक्जिस्टेंस समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ना तो उनको डाउट आ रहा है ना ही आंसर दे. ठीक है, बने रहो मिस्टर इंडिया, इस हेसिटेशन की पुड़िया को ना बचो, ऐसे बांध करके कहीं फेंक दो, हेसिटेशन नहीं होना चाहिए.
ओके लेकिन मैं इतने क्वेश्चन कराऊंगा इतने क्वेश्चन कराऊंगा इतने क्वेश्चन कराऊंगा कि एकदम कंफर्म हो जाओगे, कंफ्यूज नहीं होगे, कंफर्म हो जाओगे कि अब तो सिमिलरिटी का कोई क्वेश्चन ऐसा होगा ही नहीं जो हमसे नहीं बनेगा 10th स्टैंडर्ड पर। ओके अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन जो मैं देने जा रहा हूं, इन ट्रायंगल एबीसी, इन राइट ट्रायंगल एबीसी, इन राइट ट्रायंगल एबीसी एंगल बी 90 डिग्री है एंड बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी। ए बी सी 90 डिग्री है एंड बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी, देन प्रूव दैट ऑप्शन फर्स्ट है, फर्स्ट प्रूव करना है ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। टाइम लिमिट 1.5 मिनट्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। होते ही डन बोलते ना, अब देखते हैं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कम होता है क्या। ओके हाउ मेनी डन आई गॉट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा कुछ तो निकल ही गई, टोटल 14 मेंबर्स है, वेरी गुड। ठीक है 10 डन है। ओके अब यहां पर आप देखो साइड्स के बारे में तो कुछ दिया नहीं है, तो एस वाला क्राइटेरिया तो लग ही नहीं सकता, तो एंगल एंगल खेलते हैं। ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री, अगर ये एक्स है एंगल एंगल खेलते हैं, तो ये 90 है तो ये कितना हो गया 90 माइनस एक्स, और अगर ये पूरा 90 है तो ये एक्स, और अगर ये 90 है तो ये 90 माइनस एक्स, क्योंकि इस ट्रायंगल पे देखा ये 90 है एक्स तो 90 माइनस। अब आप ये तो ऐसे ही ठीक कर सकते हो या फिर अलग अलग बना लो, कॉन्ग्रेंस में भी आप यही सीखे थे, दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग बना दो फिर देखो, और ए बी डी A B D, इसमें ये 90 ये 90 एक एंगल तो मिला सर, फिर इसमें ये वाला एंगल है 90 माइनस एक्स, तो A B D को देखा तो इसमें भी 90 माइनस एक्स, तीसरे एंगल तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्या हो गया B A C 90 से 90 माइनस एक्स, 90 से 90 माइनस एक्स D A B। अरे सर ये तो वो नहीं है जो प्रूव करना है, तो ऑर्डर बदल दो, ऑर्डर चेंज किया तो ए बी सी ए बी सी ए डी बी, किससे डबल ए से, ये तो प्रूव करना था, सेकंड प्रूव कर रहा है, अब देखता हूं कितने डन आते हैं। एंड फिगर, फिगर्स से अ लॉट, अगर आप सॉल्यूशन को फिगर बना करके करोगे तो आपके मार्क्स नहीं काटेंगे आपके सर। सेकंड आपको प्रूव कर रहा है, प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू बी सी डी,
प्रूव कीजिए। टाइम लिमिट एक मिनट मिलेगा बस। अब द टाइम स्टार्ट्स नाउ। टोटल व्यूअर्स 12 ही बचे हैं। ओके, दो डन मिल चुके हैं। तीन डन। टाइम आप 1 2 3 4 5 डन हुए हैं। देखो एंगल एंगल तो ऑलरेडी खेल ही चुके हैं। एबीडी और बीसीडी को अलग अलग बना लो। अगर आप उसमें नहीं दिख रहे तो सर दिस इज ए बी डी दिस इज 90 एंड बी सी डी बी सी डी दोनों में 90 90 मैचिंग। सर ABD के एंगल्स हैं ये 90 माइनस x स्प्लिट कर लिया हमने दोनों एंगल्स को और ये x इधर BCD में आता है। BCD में ये वाला x वैसे तो मैचिंग हो चुकी है और ये वाला एंगल 90 माइनस x। अब आप आराम से लिख सकते हो डबल एक क्राइटेरिया से इन ट्राइंगल ABD सॉल्यूशन के नाम पर ये लिखोगे एंड ट्राइंगल CBD इनको अभी कैसे भी लिख सकते हो। ABD और CBD में हमने देखा कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल D व्हिच इज 90 डिग्री गिवन है, हम नहीं बोल रहे हैं और एक एक एंगल और फंसाना है। तो एंगल बी एबीडी का बी ये एंगल बी मतलब अब ये वाला एंगल नहीं है एबीडी का बी है एंगल बी है। इसको ऐसा लिखो पूरा ए बी डी इज इक्वल टू बी सी डी का है कि सर ये एक्स है ना कैलकुलेशन से है एंगल कैलकुलेशन ठीक है। This implies, क्या बोल सकते हैं सर अब ना सिमिलैरिटी लिखें तो अब 90 से x की तरफ लिख देते हैं। देखो लेकिन शुरू कहां से हो रहा है a से abd लिखा हुआ है ना तो abd मतलब 90 माइनस x से x की तरफ चलता है 90 माइनस x से x की तरफ चलता है तो bcd और ये हमें प्रूव करना था किससे आया डबल ए क्राइटेरिया से ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है अब वो क्वेश्चन आपको करना है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट ए इन ट्राइंगल एबीसी इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट ए ए डी इज परपेंडिकुलर टू बीसी ए डी इज परपेंडिकुलर टू बीसी देन प्रूव दैट क्या प्रूव करना है देन प्रूव दैट DA square is equal to DB into DC. Time limit 2 minutes. Your time starts now. हाँ, एंगल को कॉमन एंगल बोल सकते हैं यस
डन बस बोलना है आपको। ओके देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है जानबूझ करके, वैसे कुछ लोगों से हो गया होगा। इसको देखते हैं क्या लग रहा है, फोर लेंथ्स, फोर साइड्स के बीच में कनेक्शन, के बीच में रिलेशन। जब भी फोर साइड्स के बीच में रिलेशन हो मतलब दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, मींस वी नीड टू प्रूव टू ट्राइंगल सिमिलर, दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, ये सीखे सर। तो किन दो ट्राइंगल्स को, ऑब्वियस ही बात है दो डाय है, ठीक है थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट था, तो किन दो ट्राइंगल्स को, तो देखो डी ए बी ए, डी बी बी डी और सी डी के बीच में कनेक्शन, तो बी डी सी डी यानी किन दो ट्राइंगल्स की आर्म्स है, डी ए डी ए, तो डी ए या तो इसकी आर में या इसकी आर में, तो सर डी ए दो बार आया तो ये दोनों ट्राइंगल, और देखो ऊपर से बी डी और सी डी मतलब पक्का हो गया कि इन दोनों ट्राइंगल्स में डिस्कशन या सिमिलर हम लोगों को प्रूव करना है, इन चारों साइड से पता चलेगा। ये चारों साइड्स किन दो ट्राइंगल्स में है, डी ए मतलब, ठीक है। तो ये एनालिसिस आपको आगे भी करना है, ऐसे और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आज ही मिलेंगे, फिर मैं होमवर्क भी दूंगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रूव करना है उसकी शक्ल देखी। अब हमें समझ में आ गया, तो समझ में आ गया तो क्या समझ में आया, हमें समझ आया कि हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, तो लिख दो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड इन ट्राइंगल सी ए डी एंड बी ए डी, कैसे भी लिख सकते हो। अब एंगल एंगल खेल लो क्योंकि साइड के बारे में तो कुछ दिया नहीं आपको, ठीक है सर। इफ दिस इज एक्स तो 90 माइनस एक्स, ये 90 है, एक्स 90 माइनस एक्स, फिर ये अगर x है ये 90 है तो ये कितना 90 माइनस एक्स, तो फिर इसको कितना होना पड़ेगा x, दोनों में 90 90 मैचिंग मैचिंग, x x मैचिंग मैचिंग, 90 माइनस एक्स मैचिंग मैचिंग, तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी ए डी आप अलग से भी बना सकते हो, इन ट्राइंगल ए बी डी इन एंड ट्राइंगल ए सी डी या ए बी सी, जो भी बोलना चाहो। सर हियर 90, सर इट इज 90, एक एक एंगल तो मैच कर गया। फिर ये वाला जो x है, इधर कोई x है क्या, सर इधर ये x कैलकुलेशन से आया, और पूरा लिखना चाहो पूरा लिख दो, बाकी दो एंगल चाहिए थे हमें, फिगर बना दिया, साफ साफ दिख रहा है कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, कहे कि दोनों x के ऊपर है, कैलकुलेशन से आ रहा है, एंगल कैलकुलेशन, एंगल कैलकुलेशन किया था ना रेफर, और टीचर को फिगर दिखा दो, भाई रेफरेंस से ये फिगर देख लो, उसके बाद में एंगल ए डी बी ये इक्वल है सर, इज इक्वल टू ए डी सी, 90 डिग्री गिवन है, हम लोग नहीं बोलते सर, दो एंगल हो गए, दो ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटी आ चुकी है, और इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, क्यों करना है हम मजा डिफाइन कर चुका हूं मैं आपको कि कैसे पता लगा कि इन दोनों ट्राइंगल्स को ही पकड़ना है। तो अब क्या हो जाएगा, अब हमने देख लिया सिमिलैरिटी लिखना है सर, सिमिलैरिटी कैसे लिखें सर, x से 90 की तरफ चलो या 90 से x की तरफ चलो, तो 90 से x की तरफ चल देता हूं, डी बी ए 90 से x की तरफ, डी ए सी डबल ए क्राइटेरिया,
दिस नौटंकी इंप्लाइज, हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रूविंग रिजल्ट्स यूजिंग सिमिलैरिटी, तो इसका मतलब हो गया डी पी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ए अपॉन ए सी इज इक्वल टू डी ए अपॉन डी सी, डी बी अपॉन डी ए, बी ए अपॉन ए सी, डी ए अपॉन डी सी। अब आपको डी ए स्क्वायर चाहिए, डी ए स्क्वायर तो इन दोनों रेशियो से मिलेगा, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू डी ए अपॉन डी सी, डी बी इंटू डी सी या बी डी इंटू सी डी कैसे देख दो, बी डी इंटू सी डी इज इक्वल टू ए डी इंटू ए डी, ए डी स्क्वायर, ये तो प्रूव करना है, या इसको रीअरेंज करके लिख दो, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी बी इंटू डी सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लो, अब देखता हूँ कितने डन आते हैं, अभी डन आए थे ओनली 4 डन, क्योंकि थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था तो कंसिडरेबल है, इतने डन आना मतलब थोड़ा आउटपुट कम हो जाएगा इस क्वेश्चन में, लेकिन अगले क्वेश्चन का आउटपुट बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट ए इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट ए एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, AD is perpendicular to BC, then prove that, क्या prove करना है आपकी बार? आपकी बार prove करना है CA square is equal to CD into CB, ये prove करना है। Time limit 2 minute, your time starts now। Okay, I got some done. अरे वाह, बहुत सारे डन मिले। नहीं, अभी नहीं मिला डन कोई भी। करो करो करो। ओके, एक डन मिला है हिमांशु बंजारे का।
दो डन आ गए, अभी मैं और रुक रहा हूं बच्चों, डन चाहिए मुझे। ओके मैं भी सॉल्व करता हूं, आप भी सॉल्व करते रहो। देखो चार साइड्स कौन कौन सी, यहां पर सी ए सी ए सी डी सी, तो किन दो ट्रायंगल्स को फोकस करें सिमिलैरिटी के लिए? सर सी ए सी ए दो बार आ रहा है, तो सी ए सी ए दो बार आ रहा है मतलब एक तो सी ए बी और एक सी ए डी, ठीक है, तो इन ट्रायंगल सी ए बी एंड सी ए डी, ठीक है। अब सर साइड से तो कुछ दिया नहीं है, ये भी 90 डिग्री है, ये 90 है, एंगल एंगल खेलते हैं, अगर ये एंगल x है तो ये 90 माइनस x, ये पूरा 90 है तो ये x, ये 90 है तो ये 90 माइनस, जिन दो ट्रायंगल्स को देखना है उनको अच्छे से ऑब्जर्व करो। सर CAB यानी इससे हमें पता लग गया कि किन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, तो ठीक है सर CAB और CAD को देखते हैं। CAB तो ये पूरा ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है सी ए डी सी ए डी सी ए डी, तो देखो ए बी सी में ये 90 माइनस एक्स का मार्किंग है, ये 90 है और ये एक्स, ए डी सी में एंगल की कैलकुलेशन, ये 90 डिग्री है 90 90 मैचिंग, सर ये एक्स है और ये 90 माइनस एक्स, तो इधर के तीन एंगल और इधर के तीन एंगल सेम है, तो क्या कर देंगे फालतू नोटक के लिए करके हम लिखते हैं ट्राइंगल, देखो 90 से एक्स की तरफ चलो ए सी बी कैसे भी चल रहा आपके ऊपर है, 90 से एक्स की तरफ चलो, 90 से एक्स की तरफ सी डी सॉरी डी सी ए किससे है डबल ए क्राइटेरिया है ना, अब क्या लिख दोगे सीपीएसटी एसी अपॉन डीसी सीबी अपॉन सीए एबी अपॉन डीए सीपीएसटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, अब क्या चाहिए एसी स्क्वायर चाहिए एसी इंटू एसी चाहिए, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो तीनों काम के लिए सिर्फ यही अरेंजमेंट काम का है, AC upon DC is equal to CB upon CA, CA into CA, AC square is equal to CD into CB, यही प्रूव करना था क्या? हाँ सर यही प्रूव करना था, CA square ऐसे लिख दो रीअरेंज कर, AC को CA बोल सकते हैं, CA square is equal to CD into CB, कितने डन आए थे? डन आए थे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, टोटल 11 वीवर्स से कम होते जा रहे हैं, ठीक है बच्चों आज का होमवर्क कोई होमवर्क नहीं है, ठीक है सी या वॉच दिस लेक्चर अगेन एंड मेक प्रॉपर नोट्स, कल हम इसी तरीके से पूरे लेक्चर में क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, फिर कल होमवर्क में आपको, तो आज का होमवर्क यही है कि रिकॉर्डेड लेक्चर अभी डली जाएगा लर्निंग होम पर आप देखना, उसके बाद में कल हम लोग होमवर्क करेंगे सॉरी कल हम और क्वेश्चन करेंगे इसी तरीके से, या तो सिमिलैरिटी से रिजल्ट का फायदा उठाना होगा मतलब रिजल्ट प्रूव करना होगा या सिमिलैरिटी दिखानी होगी, सो आज के लिए इतना ही काफी, आई एम गोइंग टू एंड द क्लास नाउ, फाइनली बाय बाय बच्चों, होमवर्क आपको समझा दिया है मैंने, रवीश पांडे सर मैं प्रूफ तो कर लेता हूँ लेकिन सिमिलैरिटी लिखने में इधर उधर हो जाता है, कुछ मदद कीजिए। ओके रवीश तुझे क्या करना है, आज का लेक्चर दोबारा देखना, कल ये चीज़ खत्म हो जाएगी गारंटी दे रहा हूँ, और आज का लेक्चर ना बहुत शांति से ठंडे दिमाग से बैठ करके हर चीज़ को समझते हुए देखना, एक घंटा है फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना, 1.2x में देख लेना 1.3x में देख लेना मजा आएगा, 2x में देख लेना, इसी तरीके से बच्चे रिविजन करते हैं जो ट्वेल्थ वाले बच्चे ना वो ऐसे करते हैं बहुत
स्मार्टली रिविजन करते हैं, तो इसको दोबारा देखना, फिर ये प्रॉब्लम अगर अगले लेक्चर में भी आती है देन लेट मी नो। सो फाइनली बाय बाय बच्चों, ओके थैंक यू एवरीवन।